गोरखपुर जिले में मंगलवार को 572 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 424 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें कैंट में 110, गोरखनाथ में 113, कोतवाली में 47, तिवारीपुर में 30, रामगढ़ताल में 16, राजघाट में 12 तथा शाहपुर थाना क्षेत्र में 96, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 141 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें गोला में 9, गगहा में 3, पिपरौली में 1, पिपराइच में 2, ब्रह्मपुर में 2, जगल कौड़िया में 1, बांसगांव में 5, उरवा में 6, कौड़ीराम में 2, खोराबार में 46, भटहट में 3, कैंपियरगंज में 3, बड़हलगंज में 1, खजनी में 3, सहजनवा में 3, सरदारनगर में 2, चरगावा में 49 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अन्य थाना क्षेत्र में 7 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 49 वर्षीय पुरुष की मौत हुई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 24,968 हो चुकी है। इनमें 375 की मौत हो चुकी है, 21,617 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 2,976 हो गए हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी और लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कि कोरोना की वैक्सीन सभी को लग नहीं जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।